नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 30 एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ रश्मि पांडे। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। झांसी जिले के थाना और कस्बा मोड़ के शाहजहांपुर बस स्टैंड पर रहने वाले एक वृद्ध ने पुलिस को लिखित शिकायती पत्र देकर बहू के गुम हो जाने की शिकायत दर्ज कराने थाने आया था, जिसे वो 3 दिन से चक्कर लगा रहा है, लेकिन उसकी समस्या पर कोई भी सुनवाई नहीं हुई। दरअसल बता दें कि थाना और कस्बा मोड़ के शाहपुर बस स्टैंड पर गंगादीन ने बीते 30 मार्च को लिखित शिकायती पत्र दिया था, जिसमें उसने बहू के दोपहर 1 बजे बगैर बताए घर से जाने की शिकायत की थी। शिकायतकर्ता का आरोप है कि 3 दिन से वापस नहीं लौटी उसकी बहू घर से सोने और चांदी के जेवरात लेकर गायब हो गई है, जिसका शिकायती पत्र उसने थाने में देकर 3 दिन से चक्कर लगा रहा है, लेकिन उसकी शिकायत पर कोई सुनवाई नहीं हुई, ना ही उसकी बहू का कोई अता पता चला। फिलहाल उसने पुलिस से बहू को खोजने की गुहार लगाई है। क्या नाम है दादा? हमारा गंगादीन नाम। कहाँ के निवासी हैं? निवासी हम शाहपुर स्टैंड मोड़। क्या शिकायत को लेकर कोतवाली आए हैं? हम सर जी, हमारी बहू चली गई तारीख 30 में। क्या नाम है उसका? सुमन। बच्चे का नाम, उसके पति का नाम है चंद्रशेखर। कब शिकायत की थी आपने? हमने कल की तारीख में करी एक, और पहली तारीख एक शायद उसी दिन करी 30 तारीख को 8 बजे 8:30 के लगभग, और दूसरी कॉपी हमने 3 दिन हो गए हैं लगभग। पुलिस द्वारा क्या कार्रवाई की गई? कोई सुनाई नहीं, कोई सुनाई नहीं है। क्या कह रहे हैं अंदर? वो जो कहते हैं वो बालक बन चुकी, मैं क्या करूँ उसमें? वो कहते हैं हम क्या करेंगे, आप जानते हैं। सुन ले मीडिया,